अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मंसूर अहमद है और आज हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर और कुछ फैक्ट्स को से गो थ्रू करेंगे हम जो हमारे जिनसे हमें प्रोडक्ट रिसर्च के करते वक्त जिन्हें हमें कीप इन माइंड करना होता है। तो व्हाट इज़ प्रोडक्ट रिसर्च? तो सिंपली अमेजोन पे ऊपर प्रोडक्ट रिसर्च आप करते हैं कि प्रोडक्ट्स को एनालाइज करते हैं, उनके करंट मार्केट ट्रेंड्स को देखते हैं, विनिंग आइटम्स को फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं, और उनकी आप वो प्रोडक्ट्स देखते हैं जो हाई सेल्स जनरेट करती हों। तो सिंपली आप एक आइडिया को सर्च करते हैं, आइडिया फॉर अ प्रोडक्ट को आप सर्च करते हो जो एक चीप हो और अच्छी उसकी सेल्स हो, कंपटीशन उसमें कम हो और आपको उसमें प्रॉफिट मिल जाए। तो ये बेसिक जो क्राइटेरिया होता है आपकी प्रोडक्ट का, ये आपका होना चाहिए माइंडसेट। उसके बाद जो की एलिमेंट्स होते हैं ऑफ अमेज़न प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी, तो ये कुछ मस्ट हैव हैं और ग्रेट टू हैव यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो मस्ट हैव में हमारे पास क्या आ जाता है? ह्यूज डिमांड होनी चाहिए उसकी, कि मार्केट में उसकी डिमांड हो, उसकी नीड हो गई, तो ये मस्ट हैव है। उसका प्रॉफिट मार्जिन हो उसके ऊपर, पीएल के लिए मिनिमम 30% प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, और होलसेल के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया आ जाता है। तो लोग अपनी काफ़ी लोगों ने डिफरेंट उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन्स रखे होते हैं, तो मैक्सिमम लोग 20% करते हैं, पर कुछ लोग 15 और 10% पर उसको एक्सेप्टेबल समझ। तो अगेन लो कंपटीशन हो उसका, सीजनल प्रोडक्ट बिल्कुल भी आपने नहीं जाना, क्योंकि सीजनल प्रोडक्ट होती है वो फॉर सम टाइम पीरियड वो चलेंगी। लेट्स से कि स्वेटर्स हैं तो वो सिर्फ ओनली सिर्फ और सिर्फ विंटर सीजन में आपके लिए सेल्स होती हैं, और बाकी उसका वो डेड प्रोडक्ट हो जाएगी आपकी। तो उसके जो आउट ऑफ सीज़न होगा जब, तो वो आपकी सारी स्टोरेज फीस बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी, तो वर्थ नॉट वर्थ इट। तो ऐसी प्रोडक्ट्स को आपने इग्नोर करना है। तो लीगल इश्यूज कोई नहीं आने चाहिए, कि कोई आप प्रोडक्ट अमेज़न पर सेल करना चाह रहे हैं, उसको लॉन्च कर रहे हैं, पर उसके ऊपर आपने एक ऑथेंटिक रिसर्च करनी है कि उसके ऊपर कोई पेटेंट तो नहीं होगा हमारे कंपेटिटर्स का। तो अगर पेटेंट है तो और आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हो तो आपके लिए लीगल इशू आ जाएगा, आपको उनके लॉ सूट को हैंडल करना पड़ेगा, और मोस्ट प्रोबेबली आपको वो लिस्टिंग भी टेक डाउन करनी पड़ेगी। तो ये लॉन्च करने से पहले अपनी प्रोडक्ट का एक प्रॉपर पेटेंट आपको चेक ज़रूर करवाना चाहिए। तो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है वो मिनिमम $18 से कम होनी चाहिए। तो दीज आर मस्ट हैव्स। तो ग्रेट टू हैव क्या होगा, कि लाइट वेट हो, कि उसकी जो प्रोडक्ट का वेट है वो कम हो। इससे वेट कम होने से ये होगा कि उसकी शिपिंग कॉस्ट कम आएगी, उसकी जो स्टोरेज फी है वो कम होगी। तो स्मॉल आइटम है, अगेन स्टोरेज फी से रिलेटेड है, साइज़ उसका कम होगा। तो जो अमेज़ॉन आपको पर क्यूबिक के हिसाब से आपको चार्ज करता है आपकी स्टोरेज फ़ी, तो जितनी वो उसका कम स्मॉल साइज़ होगा उतनी आपको फीस कम पे करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट विद अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, तो वो प्रोडक्ट आप देखें जिसमें इम्प्रूवमेंट की जा सके। आप कंपटीटर्स को, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छी लग रही है और कंपटीटर्स को से के रिव्यू से गो थ्रू करें, आप उनको प्रॉपर एक रिव्यू एनालिसिस करें उनके प्रोडक्ट के ऊपर, लिस्टिंग के ऊपर, तो आप देखें कि कोई जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनकी प्रोडक्ट में, वो अपने सप्लायर के साथ बात करके तो आप वो इम्प्रूव करा सकें उसमें। कंटिन्यूड है, तो अमेज़ॉन के ऊपर सक्सेसफुल एक सेलर बनने के लिए कुछ की एस्पेक्ट्स हैं जो रिमेम्बर करने होंगे। अगेन उसमें लो सीजनैलिटी आ गया है, तो अगेन जो पहले हमने डिस्कस किया था कि सीजनल प्रोडक्ट में बिल्कुल नहीं आपने काम करना। जो अब आउट ऑफ सीज़न होगी तो ऑब्वियसली वो उसकी स्टोरेज डेड फीस होगी, डेड प्रोडक्ट हो जाएगी, उसकी सेल्स नहीं आएंगी बिल्कुल, और फिर भी आपको अमेज़ॉन स्टोरेज फीस वगैरह आपको देनी पड़ेंगी, तो इस तरह से आपका काफ़ी लॉस हो जाता है। तो लीगल इश्यूज प्रॉब्लम्स हैं, अगेन वो ट्रेडमार्क हो सकता है, उनका पेटेंट हो सकता है, तो इस आपने इशू से बचना है। सिर्फ पेटेंट के ऊपर और ट्रेडमार्क के ऊपर ये इश्यूज आपके पर नहीं आते, आप प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर भी आपके इशू आ सकते हैं, कि आपने कंपेटिटर की पिक्चर के बहुत ज़्यादा सिमिलर एक पिक्चर आपने बना लिया, तो उसके ऊपर भी वो कॉपीराइट इश्यूज आपके आ सकते हैं, तो उसको भी अवॉइड करना है। आपकी जो प्राइस है वो $18 उसकी लिमिट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि नॉर्मली आपको एक गिव अवेज भी करने पड़ते हैं और उसके ऊपर आपको प्रोडक्ट की करना होता है, पीपीसी उसके ऊपर चलानी है। तो पीपीसी तो ये आपको जो हमारी है एक बहुत ही एक गोल्डन आप कह लेना रेंज है जो, तो वो होती है 10 to 25 के अराउंड अबाउट। तो आप इस रेंज में आप रहें तो ये इम्पल्स बाइंग रेंज होती है कि कस्टमर ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ज़्यादा उसको डिसीजन में करने के लिए उसको इतनी ज़्यादा थाट प्रोसेस उसका नहीं लगता। वो फ़ौरन अगर उनको अच्छी लगती है तो वो बाय कर लेते हैं। तो इस प्राइस रेंज में आपको रखने चाहिए। लाइट वेट एंड स्मॉल प्रोडक्ट हो तो अगेन ये स्टोरेज के रिलेटेड आ जाता है, आपकी शिपिंग फ़ी कम होगी आपकी और आपको स्टोरेज चार्जेज जो हैं वो कम आपको पे करने पड़ेंगे। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट में जो है वो चेकलिस्ट ऑफ अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च रिक्वायरमेंट्स। तो ये एक कुछ चेकलिस्ट है जो हमें आपको चेक करनी पड़ेगी, मतलब इसके लिमिट में रहकर आपको प्रोडक्ट रिसर्च करनी चाहिए। तो प्रोडक्ट प्राइस दैट फॉल्स बिटवीन द रेंज ऑफ 10 to 50 डॉलर्स। तो ये हमारी है, ये पीएल के लिए, माइक्रो पीएल की प्रोडक्ट्स के लिए ये रेंज नॉर्मली रखी जाती है। उसके बाद एटलीस्ट जो प्रोडक्ट आप सर्च कर रहे हैं उसकी जो सेल्स हैं वो एटलीस्ट 10 होनी चाहिए बाय डे, तो मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये 300 सेल्स मिनिमम एक मंथ में आपकी प्रोडक्ट। उसके बाद सिमिलर प्रोडक्ट्स दैट फीचर बेस्ट सेलर रैंक, तो जो उस आपकी प्रोडक्ट है उसके जो कंपेटिटर्स हैं, मेन ज़रूरी नहीं मेन कंपेटिटर पर उस कैटेगरी में जितनी भी प्रोडक्ट्स वगैरह फाल करती हैं उसके थोड़े सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं उनके जो मेन कैटेगरी का सेलर रैंक है वो एटलीस्ट 5000 होना चाहिए। तो 5000 इज़ BSR, तो बेस्ट सेलर रैंक मीन जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हो रही है उसका BSR उतना बेटर होता है। तो ये 5000 अगर BSR होगा उसका तो मेन कैटेगरी का, तो ऑब्वियसली ये एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट होगी। द टॉप 3 रिलेटेड कीवर्ड्स, तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसको जो टॉप 3 कीवर्ड्स हैं तो उनकी जो मंथली सर्च वॉल्यूम है वो 50,000 से प्लस होना चाहिए ऑन अमेजोन। तो आप ये अमेजोन के ऊपर भी चेक करते हो और आप गूगल के ऊपर भी उन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम चेक करते हो। तो सीजनल प्रोडक्ट अगेन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पूरे ईयर की आप उसमें डिमांड होनी चाहिए। वो कैसे आप चेक कर सकते हो उसकी ईयर राउंड डिमांड, आप गूगल ट्रेंड्स पर जाकर चेक कर सकते हैं। गूगल ट्रेंड्स को हमने कवर किया हुआ है कि उसको कैसे यूज़ किया जाता है। फर्स्ट पेज है उसका, आप मेन कीवर्ड उसका सर्च करते हैं प्रोडक्ट का और उसमें जो टॉप सेलर्स आते हैं उसको, और आप अगर आपके पास कोई भी टूल है तो उसको आप रन करेंगे, उससे फिर सेल्स को मैक्स मिनिमम आप करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। तो उसमें आपने देखना है कि जो टॉप सेलर्स हैं, 5 टॉप सेलर्स जिनके सबसे ज़्यादा सेल्स हैं और रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो, तो उनकी जो प्रोडक्ट उनमें जो जो दो तीन प्रोडक्ट हैं ना उनके दो तीन सेलर्स हैं उनके रिव्यूज़ less than 50 reviews, तो ये एक बहुत ही उन्होंने एक ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पर एक हमारे लिए एक बहुत ही फॉर्चुनेट हमारे लिए एक प्रोडक्ट हो मिल जाएगी है कि उसके रिव्यूज 50 हों। पर आप अगर दो तीन कंपेटिटर्स ऐसे हैं कि उनके 300 से लेस रिव्यूज़ हैं तो उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। अगेन स्मॉल एंड लाइट वेट होनी चाहिए तो उससे आपकी कॉस्ट जो है आपकी उस में कमी आ सकती है। आज की इस वीडियो में हमने आपको इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं जो कि आपके बिजनेस को ट्रेडिशनल बिजनेस से निकाल कर डिजिटल बिजनेस की दुनिया में ला सकती है और आपके काम को डिजिटलाइज कर सकती है। हम हर तरह की वर्चुअल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, SEO, WordPress डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वर्चुअल असिस्टेंट, Amazon सर्विसेज, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, फ्रीलांसिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अगर आपको अपने बिजनेस में किसी किस्म की कंसल्टेंसी या वर्चुअल सर्विस चाहिए तो आज ही रब्ता कीजिए WhatsApp 00971-565-499-494 या ईमेल कीजिए info@thereateofwealthconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे रब्ता करेगी।